Students, in our today's lecture of economics, we are going to do the rest part of chapter number 2 of our second book, that is Indian Economic Development. In this chapter, we are going to do the features of economic policy pursued under the planning till 1991. क्योंकि 1991 तक मतलब 1991 से पहले और 1991 तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज यूज की गई थी उसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्लानिंग इन इंडिया हैज विटनेस्ड अ मार्केट शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991. अकॉर्डिंगली फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर ऑफन स्टडीड सेपरेटली फॉर प्री 1991 पीरियड एंड पोस्ट 1991 पीरियड. कह रहे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 के टाइम पे, उसमें मार्केट शिफ्ट्स काफ़ी हो रही थी, काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, इसी की वजह से जो फीचर्स हैं 1991 से पहले के इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स अलग से स्टडी किए जाएंगे और पोस्ट 1991 मतलब कि 1991 के बाद के फीचर्स अलग से स्टडी किए जाएंगे. द प्रेजेंट सेक्शन डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन द पीरियड ऑफ 1951 टू 1991. अब जो हम फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं ये 1951 से लेकर 1991 तक के फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट फीचर हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 उनका वो पब्लिक सेक्टर पे हैवीली डिपेंडेंट थी, मैक्सिममली जो है वो पब्लिक सेक्टर पे ही टिकी हुई थी, उसी पे बेस्ड थी. दस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एज मैनी एज 70 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज इमार्क्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर. इसी वजह से जो 1956 में जो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट जो डिफाइन किया गया था उसमें 17 इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी और उसके ऑपोजिट साइड पे 12 इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी कि ये जो 17 इंडस्ट्रीज हैं इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही वर्क करेगी और ये वाली जो 12 इंडस्ट्रीज है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो रेगुलेटेड था, कंट्रोलेबल था. अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विदाउट अ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन. कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री लगानी है वो बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लगानी पॉसिबल नहीं थी. सिमिलरली जो MRTP एक्ट है 1969 में प्लेस सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर. जो 1969 में जो MRTP एक्ट आया था उसमें काफ़ी इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट पे, उनके एक्सपेंशन पे रोक लगा दी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता था, वो काफ़ी कंट्रोलेबल था. थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. कि उस टाइम पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसीज थी और रेगुलेट लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी रेगुलेट किया जाता था. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज रेगुलेटेड थ्रू दी सेवरल एक्ट्स पर्टिकुलरली MRTP एक्ट. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो MRTP एक्ट के जो मेन एक्ट है वो है MRTP एक्ट, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था ताकि जो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हर्ट हार्म ना करें, किसी भी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो. सेकेंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन. और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी कि किसी तरह की कंपटीशन से वो काम कहीं बंद ना हो जाए, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती थी. ठीक है, जैसे सेवरल बोर्ड्स लाइक हैंडलूम्स बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड वर एस्टेब्लिश टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट में जो है हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, सिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए बोर्ड बनाए गए थे ताकि ये प्रोडक्ट्स जो है ग्लोबल मार्केट में प्रमोट किए जा सके और ताकि इनकी डेवलपमेंट भी हो सके. क्योंकि ये मार्केट जो है ये लेबर इंटेंसिव होती है, यहाँ पे ज़्यादा मशीनरीज का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे लेबर का यूज़ होता है, जिसकी वजह से लेबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं. नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना शुरू किया गया. इंडस्ट्रीज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड
एज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो किन्हें किन्हें दी गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, जो पावर जनरेशन होती है, या इंजीनियरिंग गुड्स को दी गई, या आयरन और स्टील इंडस्ट्री को दी गई, ताकि इनकी डेवलपमेंट हो गए और इनकी जो डेवलपमेंट है वो प्रायोरिटी बेसिस पे की जानी शुरू कर दी गई। नेक्स्ट इज अ फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो लोगों का ध्यान है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ किया गया, जिससे कि हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज की जो कमर्शियल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट हो सके, ताकि हमारे बिजनेसेस में पैसा लोग लगाएं और उनको कैपिटल ग्रांट्स और सब्सिडीज जो है वो मिल सके, लोग प्रमोट हों कि हमने बिजनेस करना है या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, ताकि लोगों में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग ध्यान दें। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जो फॉरेन कंपटीशन, जो हम फॉरेन गुड्स मंगवाते हैं उससे प्रोटेक्शन की गई कि उन जब वो इंडिया में आते हैं तो उन पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी गई, ताकि वो बाहर से कहीं सस्ते दामों में इंडिया में ना आ जाए और इंडिया की जो मार्केट है कहीं वो बंद ना हो जाए, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स है कहीं वो सेल होने बंद ना हो जाए, इस वजह से उनकी जो फॉरेन कंपटीशन है उससे प्रोटेक्शन करनी शुरू की गई। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो भी हम इम्पोर्ट बाहर से सामान मंगवाते हैं गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, एंड इम्प्लाइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, कि जो हम फॉरन से सामान मंगवाते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाए और हम अपने आप को इतना सफिशिएंट बना लें कि हमें बाहर से सामान मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड, जो बाहर की कंपनीज यहाँ पे आके पैसा लगा रही है उस पर कंट्रोल किया गया थ्रू फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लोन्स फ्रॉम अब्रॉड वर अकॉर्डेड हायर प्रायोरिटी देन FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें उससे ज़्यादा जो फॉरेन लोन्स हैं उनको ज़्यादा मैक्सिमाइज इंटरेस्ट देना शुरू किया गया, उनको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया गया। नेक्स्ट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल अलाइंड टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेन स्टेट लेवल पे जो है उसकी तरफ ध्यान दिया गया, मेन उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अपनी सोसाइटी का, अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ करना। स्पेसिफाइड डेट एट द स्टेट लेवल डिडंट कॉन्ट्राडिक्ट विद द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एज स्पेसिफाइड इन द 5-year प्लान्स, और इनको ये जो है ये सेंट्रलाइज किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से सारे डिसीजन लेने शुरू कर दिए गए, ताकि जो 5-year प्लानिंग है उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या क्या हमें सक्सेस मिली, क्या अचीवमेंट्स उन्होंने मिली थी उस टाइम पे। नंबर फर्स्ट इज़ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ये आपको बताया गया कि फर्स्ट ईयर प्लान में जो नेशनल इनकम है वो क्या थी 4.6%, सेकेंड प्लान में वो कम होकर 4.1 हो गई, थर्ड प्लान में 3.3 हो गई, फोर्थ प्लान में और कम हो गई 3.0 हो गई, जो कि बाद में फिफ्थ प्लान में 5.0 और उसके साथ साथ बढ़ती 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 ये टेंथ प्लान तक 7.6% तक हो गई, और जो कि बाद में फिर स्लाइटली थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 7.5 to 6.8। पर आपको ओवरऑल क्या बताया गया कि पहले ये डिक्रीज कम होती गई, फिर एक फोर्थ प्लान के बाद जो ये इंक्रीज हुई है, रेगुलर इंक्रीज होती रही है, और फिर लास्ट में आके थोड़ा सा डिक्रीज हो गई है 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%, जबकि टारगेट रखा गया था 8%, पर वो डिक्रीज हो गई किसकी वजह, कौन से ईयर में, 2018 and 2019, और ये फर्दर 6.9 नेक्स्ट ईयर में फर्दर इंक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम पर पर्सन इनकम है उसको इंक्रीज करना, पहला पॉइंट था कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए प्लान, हम नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हुई है 4.6 जो कि कम हो गई 3.0 हो गई थी, फिर ओवरऑल ये 7 के नियर अबाउट पहुंच गई। देन पर कैपिटा इनकम की तरफ ध्यान दिया गया, ड्यूरिंग द पीरियड प्रियर टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वाज ओनली बी नॉशनल, कह रही कि जो प्लानिंग से पहले जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम जो है इंक्रीज होती थी, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो,
क्योंकि पर जब जब प्लानिंग स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में तो पर कैपिटा इनकम ठीक ठीक से इंक्रीज होनी शुरू हुई। जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान जो है वो इंक्रीज हुई थी, पर धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। 12th प्लान तक इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5.5% हो गई थी, और 2018 और 19 में 5.7-5.6% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट इज़ अ रेट इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रेट है 1950 में जो सेविंग है वो सिर्फ 9.3% थी, पर करंट सिनेरियो में 2017-18 में जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 9.3 से बढ़ के 32.3% तक चली गई है। नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब इस पर इसमें क्या बताया गया है, 5-year प्लान्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन टू वेज। एग्रीकल्चर के दो पार्ट्स में उन्होंने बताया गया कैसे डेवलपमेंट हुई, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि वह भूमि का जो जो लैंड होती है उसमें कुछ बेनिफिट्स लाए गए, कुछ उसके चेंजेस किए गए, और थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड है कि टेक्नोलॉजी को चेंज करके हम जो एग्रीकल्चर है उसे चेंज किया गया। लैंड रिफॉर्म्स में क्या पॉइंट आते हैं, अबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर ऑफ द सोयल। जो गवर्नमेंट है और जो किसान है उनके बीच में जो इंटरमीडिएरीज आते हैं उन सभी को रिमूव किया गया, अबॉलिश किया गया। सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ रेंट्स। जो रेंट्स है उन्हें कंट्रोल किया गया कि पहले जो ऑनर्स हैं वो अपनी इच्छा से जो रेंट है वो ले सकते थे, पर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल कर दिया गया, एक लिमिट लगा दी गई। नेक्स्ट इज अ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो लैंड होल्डिंग्स है किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, उन्हें उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लैंड से दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट की गई, एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग साइज थ्रू द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जो होल्डिंग्स का लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स थी उन्हें कंसोलिडेट किया गया, उन्हें लोगों में इक्वली डिवाइड किया गया। बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ फार्मिंग। इस इन चेंजेस की वजह से जो एनवायरमेंट फार्मिंग का जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। नेक्स्ट इज़ अ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जैसा कि HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन से भी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज द हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज। और इंडिया इतना उसकी फूड ग्रेन की ग्रोथ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट भी कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो गई कि उससे फूड ग्रेन्स के लिए मिनिमली किसी की दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहना वो जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज अ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं, 5-year प्लान्स गेव अ बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो बेसिक इंडस्ट्री है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है उनकी डेवलपमेंट की गई। कैसे डेवलपमेंट की गई, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बिन अराउंड 7% पर एनम। क्योंकि जब प्लानिंग पीरियड के ड्यूरिंग 7% पर एनम जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्ड की गई थी। इन द 11th प्लान में जो है प्रोडक्शन ग्रोथ वाज 7.2%, और 2018-19 में जो है ये 6.9 थी, और प्लानिंग पीरियड से पहले ये जो ग्रोथ है बिल्कुल ही नाम मात्र थी, बिल्कुल ही 0-1% के बीच में थी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जो कंज्यूमर गुड्स हैं इन्हें भी इस अकॉर्डिंग डेवलप किया गया जो इंडिया है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, उसे कंज्यूमर गुड्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंडियन इकॉनमी इज नाउ रैंक्ड एज अ 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और धीरे धीरे इंडियन जो इकॉनमी है वो दुनिया में वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकॉनमी के रैंक पे आ चुकी हुई है। नेक्स्ट इज़ अ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर गया है। पहले यहाँ पे हर जगह मिट्टी होती थी, सिर्फ एग्रीकल्चर ही रहती थी, और लोग दूर दूर तक पैदल चल के जाते थे, मिट्टी वाले रास्ते होते थे, कहीं सड़कें नहीं होती थी, बिल्डिंग्स नहीं होती थी। पर आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया हुआ है। अब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, कम्युनिकेशन आती है, इरीगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी एट सेक्टर इसमें आते हैं। इंडियन रेलवे हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। जो इंडिया का रेलवेज है वो इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका हुआ है। इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी विच वॉज 2300 मेगावाट इन 1950-1951 इंक्रीज टू 356,818 मेगावाट
एज ऑन 31 मार्च 2019। क्या है कि जहाँ पे सिर्फ 2300 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती थी 1950-51 में, और आज के टाइम में ने अबाउट वो थ्री एंड हाफ लैख मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। और रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर हैज़ अर्नड इंडिया द डिस्टिंक्शन ऑफ ग्लोबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जो इंडिया का IT सेक्टर है ये भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छी इमेज जो है वो उसने अर्न की है। नेक्स्ट इज़ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट होती है, डेट इज़ द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज आर द की पैरामीटर ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो किसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज की तरफ। दीज हैव रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। इसमें भी जो है टाइम के साथ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इट इज़ ओइंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। द डेथ रेट has come down to 6.3% in 2017 from 27% per thousand in 1951। कहते हैं कि 1951 में जहाँ पे 1000 के पीछे 27 लोग मर रहे थे, वहाँ पे 1000 के पीछे सिर्फ 6 से 7 लोग मर रहे हैं आज के टाइम पे। एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ऑल्सो इंक्रीज। पहले 1951 में सिर्फ 32 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्ट की जाती थी, एवरेज लाइफ जो एक्सपेक्ट की जाती थी, पर आज के टाइम पर नियर 70 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्ट की जा रही है। सेम ऐसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव की गई है। लोग पहले बहुत थोड़े बच्चे जो है वो स्कूल जाते थे, पर आज के टाइम पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि पहले लोग जो है काफ़ी कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस की हैं। ड्यूरिंग द 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन फ्रॉम 8% टू 5.6%। कह रहे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये 8% थी 2004-5 में, जो कि डिक्रीज होकर 5.6% पे आ गई 2011-12 में, और जो कि फर्दर इन दोबारा से इंक्रीज हो गई अप टू 6.9% ड्यू टू फेलियर इन सम पॉलिसीज, दैट इज 2018-19। इन 12th 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पर अब जो गवर्नमेंट है उसने 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का प्रॉमिस किया या टारगेट किया। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। 1948-49 में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 792 करोड़ रुपीज़ का होता था, जो कि इंक्रीज़ होकर 2018-19 में 59 लाख करोड़ तक पहुँच गया। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ सिग्निफिकेंटली चेंज कंपेयर टू प्लानिंग। वी वर लार्जली एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टिंग फिनिश गुड्स। नाउ द पैटर्न इज ग्रेजुअली रिवर्सिंग। क्या है कि पहले हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसे एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते थे, पर आज के टाइम पर हम फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल जो है इम्पोर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें चेंज आ गया। The change is in composition significantly marked in the area of exports. जो एक्सपोर्ट्स जो है हमारे इंक्रीज हो गए हैं, रेदर जो कि पहले हम फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते थे, पर आज के टाइम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। जो अब आजकल हम इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज़ द साइन ऑफ इंडिया एमर्जिंग इन एज एन इंडस्ट्रियल नेशन। और यही मेन पॉइंट है जिससे हमें पता लगता है कि इंडिया जो है आज इंडस्ट्रियल नेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ अ फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया की जो प्लानिंग है इसके क्या फेलियर रह चुके हैं। नंबर फर्स्ट इज़ द एब्जेक्ट पॉवर्टी। जो पॉवर्टी है उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज अ सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग। पॉवर्टी को एलिवेट करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये प्लानिंग का मेन थीम था, सेंट्रल थीम था। बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। दीज आर दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग इवन द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। Amazingly, nearly 50% of those people who are absolutely poor in the world are living in the India.
क्या देखिए, आज के टाइम पे भी 21% 22% ने अबाउट जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की 50% के बराबर है, जो कि इंडिया में इतने गरीब लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो रेगुलर चेंजेस इन प्राइस, रेगुलर राइज इन प्राइस है, तो इन्फ्लेशन का रेट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बाय एंड लार्ज वी आर फेल्ड टू टेक ए इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री बिकॉज द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, रियल इनकम ऑफ द पीपल हैज टेंड टू इरोड। ऑल्सो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट हैज टेंड टू राइज। फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन वेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन, इन ऑल अदर प्लान द प्राइज इज रिकॉर्डेड टू स्टीप प्राइस। कह रहे कि जो प्राइस रेगुलर प्राइस इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट्स के, चीज़ों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। कह रहे कि सिर्फ पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें ही जो प्राइस है वो थोड़े से डिक्रीज हुए थे, थोड़े से कम हुए थे, पर बाकी जितने भी प्लान हुए हैं उसमें रेगुलरली ही प्राइस जो है अब इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन पर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो बेरोजगारी है उस वो भी हमारा एक फेलियर है। वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सबसाइडेड। कह रहे कि चाहे हम जितना मर्जी कह लें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, पर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो आज भी चैलेंज है इंडिया गवर्नमेंट के लिए। At the end of first plan, 53 lakh people person were unemployed. क्योंकि first plan में जो 53 lakh person है वो unemployed थे, this number rose to over 4 crore at the end of 11th plan, जो कि बढ़ के 4 crore तक, जहाँ पे सिर्फ 53 lakhs थे मतलब हाफ करोड़ थे, वहाँ पे वो बढ़ के 4 crore हो गए हैं 11th plan तक। In March 2016, the number of registered unemployed increased to 4.35 crore. क्योंकि मार्च 26 में ये भी बढ़ के 4.35 करोड़ तक हो गए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना था वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट इज अ सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी वाज कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग। जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी है वो भी प्लानिंग का मेन टारगेट था, हमने पहले ही बात की है। आई थिंक 11th प्लान में भी यही टारगेट था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इक्वालिटी लाई जाए सोसाइटी में, बट जो हमारी इकोनॉमी है उसमें ये चीज़ नहीं हो पा रही। जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। सो इस पर भी किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं लाया गया। विद दिस The failures of planning in India are finished and this chapter is also finished. You have to go through with this chapter and if you have any problem, we will discuss about the problems in your next Zoom meeting.